वेलकम टू सुजाना कार डेकोर। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो S5 मॉडल के बारे में। इस गाड़ी में हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है, इसको S5 से S11 में हमने प्रॉपर कन्वर्ट कर दिया है। देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या एक्सेसरी इंस्टॉल किया है। अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट व्यू की साइड, देखते हैं उसमें क्या क्या हमने एक्सेसरी इंस्टॉल किए हैं। तो ये हमारी जो स्कॉर्पियो गाड़ी आई हुई है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने इसकी जो हेडलाइट चेंज की है ये हमने प्रॉपर ओरिजिनल महिंद्रा कंपनी की लगाई है। उसके बाद मैं आपको फ्रंट ग्रिल दिखा देता हूँ। जो फ्रंट ग्रिल आती है बिल्कुल ब्लैक आती है, S11 वाली फ्रंट ग्रिल लगाई है, देख सकते हो आप। मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ और उसके बाद बात करता हूँ मैं फोग लाइट की और फोग क्रोम की। इसके अंदर जो हमने फोग लाइट लगाई है और फोग क्रोम लगाई है, ये भी प्रॉपर स्कॉर्पियो गाड़ी की लगाई है, देख सकते हो आप। और ये आपको इस प्रकार लुक आएगी। उसके बाद बात करते हैं, अभी मैं आपको फ्रंट ग्रिल भी दिखाता हूँ जो हमने इसमें रिमूव किया है, और साथ में दिखाता हूँ मैं जो S5 में जो हेडलाइट लग कर आती है हमने उनको चेंज करके S11 वाली हेडलाइट इंस्टॉल की है, अभी दिखाता हूँ आपको। तो ये जो S5 में लाइट लग कर आती है, ये वाली लाइट लग कर आती है, हमने इसको रिमूव करके और यहाँ पे S11 वाली जो हेडलाइट है उसको चेंज किया है। DRL है वो अभी ऑन हो चुकी है, और ये हमने जो S5 में जो आती है लग के उसको रिमूव करके S11 वाली जो हेडलाइट लगाई है वो प्रॉपर वर्क करेगी, अभी मैं दिखाता भी हूँ आपको। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको जो S5 में ग्रिल आती है, अभी आपको दिखाएंगे कहाँ पे होती है। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, जो S5 में ग्रिल आती है वो सिंपल आती है, इसमें यहाँ पे क्रोम नहीं लग कर आता। जो हमने ग्रिल लगाई है वो S11 वाली ग्रिल लगाई है, और ये प्रॉपर आपको महिंद्रा कंपनी की हमारे पास मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं साइड व्यू के बारे में, साइड व्यू में हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, हमने जो हैंडल इस पेंट करवाए हैं जो बॉडी के साथ मैच करवाए हैं। उसके बाद बात करते हैं डोर वाइज़र की, तो डोर वाइज़र हमने इसके अंदर गैलियो कंपनी के इंस्टॉल किए हैं, ये देख सकते हो आप, ये प्रॉपर हमारे पास आपको स्कॉर्पियो गाड़ी के ही मिलेंगे। उसके बाद बात करता हूँ मैं बैक व्यू के बारे में, बैक व्यू में हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है। तो अब बात करते हैं कैमरे के बारे में, जो हमने कैमरा लगाया है यहाँ पे इंस्टॉल किया है, देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग के साथ हमने इसमें इंस्टॉल किया। उसके बाद मैं नंबर प्लेट क्रोम के बारे में आपसे बात करता हूँ, इसमें हमने जो नंबर प्लेट क्रोम लगाई है वो ये वाली लगाई है, देख सकते हो। उसके साथ हमने S5 का लोगो रिमूव करके यहाँ पे S11 का लोगो भी इंस्टॉल किया है। हमारे पास महिंद्रा के ओरिजिनल डी पिलर आपको मिलेंगे जो हमने इस गाड़ी के अंदर लगाए हैं, देख सकते हो, ये भी प्रॉपर आपको महिंद्रा कंपनी के मिलेंगे। उसके बाद बात करता हूँ मैं स्पॉइलर के बारे में, तो हमने इसमें जो स्पॉइलर लगाया है वो भी प्रॉपर महिंद्रा कंपनी का ही लगाया है, जो S11 में लग कर आता है। उसके बाद दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक स्पोर्टी लुक के लिए टोइंग बेल्ट भी इंस्टॉल किया गाड़ी के अंदर, और गाड़ी की स्पोर्टी लुक के लिए हमने इसमें सिलेंसर पाइप भी इंस्टॉल किया, देख सकते हो। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ इसकी लुक इस प्रकार आएगी। बात करें छत के बारे में, तो छत पे हमने इसके अंदर जो रूफ रेल इंस्टॉल किए हैं, देख सकते हो प्रॉपर हमारे पास महिंद्रा कंपनी की रूफ रेल मिलेंगी आपको, और ये प्रॉपर जैसे S11 में लग के आती है वैसे ही हमने इसमें इंस्टॉल किया है। आपको स्पॉइलर भी दिख रहा होगा, इसके साथ गाड़ी की बिल्कुल स्पोर्टी लुक आ जाती है, और आपको ये नहीं पता लगेगा गाड़ी S5 है या S11, आपको यही लगेगा कि गाड़ी ये S11 ही है, देख सकते हो आप। हमने इसको सरदाना कार डेकोर पे मॉडिफाई किया है। अब बात करेंगे अंदर के व्यू के बारे में, तो अंदर हमने क्या क्या एक्सेसरी इंस्टॉल किए हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखते हैं अंदर की और क्या क्या एक्सेसरी इंस्टॉल की गई है। तो अब बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम के बारे में, हमारे पास स्कॉर्पियो गाड़ी का प्रॉपर फ्रेम आया हुआ है, और साथ में हमने इसमें ब्लू पंक कंपनी का स्टीरियो इंस्टॉल किया है, की लार्गो 970 जो हमने इंस्टॉल किया। मैं आपको एक बार बैक कैमरे क्वालिटी भी दिखा देता हूँ, तो ये बैक कैमरे क्वालिटी इस प्रकार आएगी, और ये प्रॉपर हमारे पास आपको स्कॉर्पियो गाड़ी का ही मिलेगा। उसके बाद बात करता हूँ मैं स्पीकर के बारे में, हमने इसमें JBL के कंपोनेंट स्पीकर आगे इंस्टॉल किए हैं साथ में विद ट्यूटर के साथ, और पीछे भी हमने इसमें कंपोनेंट स्पीकर ही लगाए हैं, आपको मैं दिखा दूँगा। और उसके बाद बात करते हैं स्टेयरिंग कंट्रोल के बारे में, जो हमने इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल इंस्टॉल किए हैं वो आपको प्रॉपर महिंद्रा गाड़ी के ही मिलेंगे, ये देख सकते हो, और ये प्रॉपर वर्क करेंगे जैसे S11 गाड़ी में वर्क करते हैं वैसे ही आपको वर्किंग में मिलेंगे रोल। तो अब बात करते हैं सीट कवर के बारे में, इसमें हमने जैक स्पीड कंपनी के सीट कवर लगाए हैं प्रॉपर फिटिंग के साथ, ये देख सकते हो आप, और इसकी लुक आपको इस प्रकार दिखाई देगी, ये देख सकते हो, कोई भी आपको कहीं भी रिंकल वगैरह दिखाई नहीं देंगे, और प्रॉपर फिटिंग के साथ हमने इसमें जो सीट कवर इंस्टॉल किए हैं, मैं बैक सीट भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देख सकते हो ऐसी फिटिंग आएगी, बिल्कुल ज़बरदस्त फिटिंग के साथ हमने इसमें सीट कवर इंस्टॉल किए हैं। उसके बाद बात करता हूँ मैं 70 मैट की, ऑटो कंफर्ट कंपनी के हमने इसमें जो 70 मैट लगाए हैं प्रॉपर स्कॉर्पियो गाड़ी के हमारे पास आपको स्टॉक में मिलेंगे।
और हमने इस गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए टू डोर और डिग्गी में हमने इसमें डंपिंग इंस्टॉल की है, और मेगासोनी कंपनी की हमने इसमें डंपिंग सीट इंस्टॉल की है, जिससे एक गाड़ी में म्यूजिक की बहुत अच्छी मतलब कि वो बनती है। और साथ में आपको दिखा देता हूँ मैं स्टेयरिंग कंट्रोल, ब्लू पंखा हमने इसमें स्टीरियो लगाया, जैक स्पीड कंपनी के सीट कवर लगाए हैं। और अगर आप भी S5 गाड़ी को S11 गाड़ी बनवाना चाहते हो तो सरदाना कार डेकोर पे विजिट करें। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें।